A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting, I would like to give you a session on how to make IGNOU assignments. So aaj hum samajhne ja rahe hain ki jab hume IGNOU ke submission ke andar assignments submit karne hote hain to hum unko kaise taiyar kar sakte hain aur kis kis basis ke through hum usko submit kar sakte hain. To is particular session ke andar aapko almost every doubt would be cleared and I hope अगर इसके बाद आपको कोई भी डाउट बचता है, स्पेसिफिक डाउट बचता है, यू कैन एक्चुअली कमेंट मी डाउन, आई वुड लव टू रिप्लाई यू बैक, ओके, सो वी वुड बी कवरिंग ऑलमोस्ट एवरी डाउट ओवर हियर, जस्ट द नीड इज यू नीड टू गो थ्रू आउट द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट इट वुड बी अ वेरी डिटेल्ड सेशन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको पहले समझना है कि असाइनमेंट्स का फॉर्मेट क्या रहेगा. आपको फॉर्मेट एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर किस हिसाब से आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं. सो हम देखने जा रहे हैं फॉर्मेट ऑफ द असाइनमेंट्स एंड इसके लिए आई हैव यूज्ड अ पीडीएफ टू डेमोंस्ट्रेट यू. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट ऑल्सो. ओके, तो यहाँ पे आपको जो है एक पीडीएफ दिख रही होगी एंड सबसे पहले आपको समझना है कि आपको अपने असाइनमेंट्स के अंदर एक फ्रंट पेज प्रोवाइड कराना है. जैसे वो इस फॉर्मेट में होता है, ये इग्नू की तरफ से एक फ्रंट पेज होता है जो असाइनमेंट्स के सामने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये वाला पेज एड ऑन होता है. इसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड डेट लिखनी होगी और सिग्नेचर प्रोवाइड करना होगा. जब आप इन डिटेल्स को भर देते हैं तो मैंने एक यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन असाइनमेंट रखा है. तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस असाइनमेंट को देखते हैं कि असाइनमेंट के अंदर जैसे सेकंड लेट मी चेंज द पेपर. ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे BSOG 173 कोडेड जो असाइनमेंट कोर्स है उसका असाइनमेंट प्रोवाइड करा है. तो ये रीथिंकिंग डेवलपमेंट का असाइनमेंट है. तो फ्रंट पेज हो जाएगा आपका ऊपर वाला जिसके अंदर आप अपनी बेसिक डिटेल्स देंगे, फिर आप असाइनमेंट को अटैच कर देंगे कुछ इस तरह. सारे पेजेस आप अटैच कर दीजिए प्रिंट आउट निकलवा के एंड इस तरह आपका जो है असाइनमेंट आ जाएगा. तो यहाँ तक तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा फॉर्मेट. यहाँ तक आपको फ्रंट पेज अटैच करना है और ये क्वेश्चन पेपर. इसके बाद आप अपनी शीट्स को अटैच करना स्टार्ट कर सकते हैं जिसके ऊपर आप आंसर्स लिखेंगे. तो इसके बाद जो शीट्स हैं कि किस हिसाब से आपको शीट्स तैयार करनी है उसके लिए वापस से स्लाइड पे चलते हैं. पर आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपको एक फ्रंट पेज अटैच करना है प्लस में असाइनमेंट करना है और इसके बाद आपकी शीट्स आ जाएंगी जिस भी शीट पे या जिस भी मीडियम के थ्रू आप अपने असाइनमेंट्स को प्रेजेंट करने वाले हैं इन दैट पर्टिकुलर थिंग. अब जो क्वेश्चन उठता है वो है शीट्स कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप आंसर्स किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लिख सकते हैं. तो आप अपने आंसर राइटिंग के लिए या तो ये इस तरह आपको मार्केट के अंदर A4 साइज आपको लेना है एंड आप A4 साइज की बोथ साइड रूल्ड शीट्स ले सकते हैं, ये वाली शीट्स या फिर आप प्लेन शीट्स भी ले सकते हैं. बस आप बॉर्डर ड्रॉ कर दीजिएगा या फिर हेडिंग लिख दीजिए, मतलब एक नीट वर्क प्रेजेंट करना है. तो आप व्हाइट शीट्स, जो प्लेन व्हाइट शीट्स होती है, आप ये भी यूज कर सकते हैं. आप बोथ साइड रूल शीट्स भी यूज कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. आप इसके अलावा इग्नू आपको परमिट देता है एक प्लेन पेज वाली नोटबुक के अंदर भी आप अपने असाइनमेंट सॉल्व करके दे सकते हैं. ठीक है, तो आप इन सारे पेजेस जो आपको चाहिए, शीट चाहिए, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो भी आपके आसपास अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप अपने असाइनमेंट्स को प्रेजेंट आउट कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है कि आप अपने असाइनमेंट्स के अंदर जब आंसर्स लिखते हैं तो आप उसके अंदर डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, टेबल्स भी एड ऑन कर सकते हैं. फॉर लाइक आपके जो आंसर्स होंगे उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एज, मतलब कि एक एक्स्ट्रा एस्पेक्ट जुड़ जाएगा जिसके थ्रू आपकी जो प्रेजेंटेशन होगी असाइनमेंट की वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है और आपको मोर फेवरेबल हो जाती है. ठीक है, फिर आपको ध्यान देना है कि आपकी जो हैंड राइटिंग रहेगी
योर हैंड राइटिंग शुड बी क्लियर एंड क्वाइट नीट, ओके, नीट वर्क करना है। फिर आपको ध्यान देना है कि आप वैसे तो मतलब अपने राइटिंग आप खुद लिख रहे हैं, आप सब कुछ खुद कर रहे हैं, तो आप पेन कोई भी यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर एक जो जनरल स्टाइल जो अच्छा लगता है, लाइक प्रिसाइज लगता है, असाइनमेंट के साथ कोरिलेट करता है, वो कुछ इस तरह मैं समझती हूँ, जो मेरा परसेप्शन है कि आप ब्लैक पेन से क्वेश्चंस लिख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस अटैच करें हैं, पर फिर भी अगर आपकी आपका मन करे तो आप क्वेश्चंस लिख सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा सही लगता है। हेडिंग्स वगैरह के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, ब्लू पेन से आप आंसर लिख सकते हैं या फिर अंदर का कंटेंट लिख सकते हैं, और पेंसिल से आप मार्जिन बना सकते हैं, लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, डायग्राम्स वगैरह जो भी आप पेंसिल से यूज कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये तीन चीजों का ही आपको यूज करना है, इससे आपका असाइनमेंट एक डिसेंसी के साथ आप प्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। कलर्ड पेन, स्केच पेन वगैरह को थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि असाइनमेंट है तो उस हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। प्रोजेक्ट वगैरह होता तो अच्छा लगता, पर यहाँ पे आप उसको सिंपल रखना, डिसेंट रखना, राइट। अब बात आती है सबमिशन की। पहली बात तो कि सबमिशन के लिए आपको ड्यू डेट समझनी होगी। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर बताया हुआ है कि आपको कौन सी डेट से पहले पहले अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करना है, तो आपको ड्यू डेट ध्यान रखनी होगी। अगर आप ड्यू डेट के बाद सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आपको दिक्कत आती है, वहां पे फिर आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं होता। आपको ड्यू डेट से पहले सारी सबमिशन आपको सबमिट करनी पड़ती है। अगर आप ड्यू डेट के बाद सबमिट करते हैं ना, तो आपकी जो पहली बार तो सबमिट होता नहीं है आसानी से, अगर हो भी जाता है तो, या फिर लेट करते हो तो आपके जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें भी आपको दिक्कत आती है, राइट। तो सबमिशन के लिए सबसे पहले आपको अपने स्टडी सेंटर को कॉन्टेक्ट करना है, रीजनल सेंटर को नहीं, स्टडी सेंटर को आप कॉन्टेक्ट करिए, और उनसे आपको सबसे पहले यही पूछना है, या फिर अगर वो बता चुके हैं तो, कि आपको असाइनमेंट दो मोड में आप सबमिट कर सकते हो, या तो आप असाइनमेंट ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हो या फिर ऑफलाइन में। तो आपको उनसे पूछना है कि आपको ऑनलाइन में करना है या फिर ऑफलाइन में करना है। अगर आपको ऑनलाइन में करना है तो आप ज्यादातर इस टाइम पे आपसे ऑनलाइन में ही मांगा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने एक फ्रंट पेज ऐड किया था, फिर क्वेश्चन पेपर था, फिर आपकी आंसर शीट थी, राइट। अगर आपको ऑनलाइन मीडियम से सबमिट करना है तो आपको एक पीडीएफ बनानी पड़ेगी। आप किसी भी पीडीएफ फाइल बनाने का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर आपको वो नहीं आता है या फिर किसी भी मीन्स के थ्रू आप नहीं कर पाते हैं, तो आप एक साइबर कैफे पे जाके भी अपना काम करवा सकते हैं, राइट। तो पहले आपको एक क्लियर पीडीएफ बनानी पड़ेगी अपने थ्रू आउट दी थिंग्स की, पहले फ्रंट पेज, फिर क्वेश्चन पेपर और फिर आंसर शीट, तीनों को एक ही पीडीएफ में, एक फ्लो में आप बना लीजिए पीडीएफ सारे सामान की। और अपने पीडीएफ का जो टाइटल है ना, वो अपने नेम और अपने एनरोलमेंट नंबर को देना, टाइटल और सब्जेक्ट का कोर्स का कोड क्या है ये बता देना आप उसमें, टाइटल जो आप नाम रखते हैं पीडीएफ का। फिर क्या करना है, आपको जो है अपने स्टडी सेंटर से, रीजनल सेंटर से नहीं, स्टडी सेंटर से एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करी जाती है असाइनमेंट्स के लिए। आपको अपने स्टडी सेंटर को कॉन्टेक्ट करके उनसे वो वाली ईमेल आईडी पूछनी है जो जो आपके असाइनमेंट्स के सबमिशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उस ईमेल आईडी को आप फिर आपको ईमेल आईडी पता चल चुकी है, फिर आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी से आपने इग्नू में एडमिशन लिया था, अगर वो एक्टिव है तो उससे वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगी, तो आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अपने फाइल को, जो अपने असाइनमेंट बनाया उस पीडीएफ फाइल को अटैच करिएगा। अपनी बेसिक डिटेल्स लिख सकते हैं, जैसे कि अपना नेम, सेशन, एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं उसमें ईमेल में, और उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी जो कि आपकी स्टडी सेंटर की है असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, वहां पे आप इसको सेंड कर सकते हैं। इस ईमेल को आप सेंड कर दीजिएगा, और आपको इसके बाद एक बार आप कॉल करके अपने स्टडी सेंटर को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए हैं। ये प्रोसीजर रहेगा ऑनलाइन मीडियम का, जिसके अंदर आप पीडीएफ के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू अपने असाइनमेंट को सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड को प्रमोट कर रहे हैं, आप ऑफलाइन मोड के थ्रू अपने असाइनमेंट सबमिट करना चाहते हैं, अगर ऐसा पॉसिबल है, अपने पहले स्टडी सेंटर से कंफर्म कर लीजिएगा कि ऑनलाइन सबमिट करना है कि ऑफलाइन। तो अगर ऑफलाइन पॉसिबल है,
आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कंप्लीट ऑल द असाइनमेंट्स एंड कीप देम इन अ फोल्डर, जिस उसी फॉर्मेट में रखिएगा कि पहले फ्रंट पेज क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट आंसर शीट, तो आप उसको कंप्लीट कर लेगा कर लीजिएगा और फिर उसको एक फोल्डर में रख दीजिएगा या फिर क्लियर बैग में रख सकते हैं, और एक स्लिप अटैच कर दीजिएगा फ्रंट पे उस फोल्डर के ऊपर जिसके अंदर आपकी बेसिक डिटेल्स हो, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर और कोर्स का कोड, और आप उस फाइल फाइल या फोल्डर को लीजिएगा और स्टडी सेंटर पे चले जाएगा। वहां पे जब आप सबमिट कर देते हैं फोल्डर को या असाइनमेंट्स को, तो आपको बदले में एक सबमिशन रिसीप्ट मिलती है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप एक अपनी सबमिशन रिसीप्ट जरूर लीजिएगा और फिर आपका जो है असाइनमेंट सबमिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया खत्म। अब आपको एक चीज याद रखनी है, आपको ड्यू डेट से पहले पहले, आपको ड्यू डेट जो होती है कि कौन सी डेट से पहले आपको सबमिट करना है, असाइनमेंट्स के अंदर ही लिखा होता है क्वेश्चन पेपर के अंदर। ठीक है, आपको आपके सेशन के हिसाब से, आप जुलाई के अंदर आप एडमिशन लेते हैं, जून के जनवरी के अंदर, उस हिसाब से आपको एक डेट मिलती है, आपको उससे पहले अपनी सबमिशन देनी पड़ती है। तो ड्यू डेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको लाइक मेमोराइज करनी है, याद रखनी है। राइट, अब क्या करना है, डोंट सबमिट द असाइनमेंट्स ट्वाइस, दो बारी असाइनमेंट्स को सबमिट ना करें, एक ही बारी करें और पहली बारी में ही पूरा कंफर्मेशन के साथ और सेफ साइट के साथ सबमिट कर दें। राइट, दो दो बारी ना करें क्योंकि उसकी वजह से आपके रिजल्ट्स के अंदर डिले वगैरह आ सकता है। राइट, और इसके बाद आपको इग्नू वेबसाइट की या असाइनमेंट्स की, जहां से आप अपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं या फ्रंट पेज की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये तीनों चीजों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, डू चेक इट। एंड दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इस सेशन में मैंने, मेरे को लगता है मैंने आपके सारे जनरल डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है, यू कैन लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक एंड शेयर द चैनल एंड कंटेंट, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स को मैं रिप्लाई ऑलमोस्ट करती ही हूँ। आप इधर क्लिक कर सकते हैं, अगर आप बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कर रहे हैं एग्रू से, तो आपसे रिलेटेड यहाँ पे आपको कंटेंट मिल सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय बाय।